लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। याद आ रहा है मुझे, नवरंगी के पास वो मणि, हाँ वो मणि। हाँ मुझे याद आ रहा है, मणि मणि जिसे शक्तिमान ने मुझसे छीन लिया था, वो मणि। आवा, कुछ याद आया डॉक्टर जेकॉल साहब? तुम? यस डॉक्टर जेकॉल, तुम्हारी बनाई हुई दवा रिकॉलिका का असर क्या हुआ? तो तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? साहब के साथ काम करने वाले हर आदमी पर साहब की नजर रहती है डॉक्टर जेकॉल। पावा! अपनी इस छोटी सी लैब और इस एक कैमरे पर इतना इतराओ मत। ये डॉक्टर जेकॉल की मजबूरी है कि वो इस छोटी सी लैब में काम कर रहा है, वरना कभी डॉक्टर जेकॉल अपनी हाईटेक लैब में बैठे बैठे पूरी दुनिया पर नजर रखता था। तुम क्या कर सकते थे, उसे रहने दो, मगर ये मत भूलो कि आज ये लैब भी तुम्हें हमारी वजह से मिली है। इसीलिए तो तुम्हें बर्दाश्त भी कर रहा हूं, वरना डॉक्टर जेकॉल पर कोई नजर रखे उससे उसके जीने का हक छीन लेता है डॉक्टर जेकॉल। तुम क्या कर सकते हो इस बात को जाने दो डॉक्टर, ये बताओ आज तुमने क्या किया है? तुम्हारी बनाई गई दवा रिकॉलिका का असर क्या हुआ? डॉक्टर जेकॉल की बनाई हुई कोई भी चीज कभी बेअसर नहीं होती, मुझे वो सब कुछ याद आ चुका है जो शक्तिमान ने मेरे शैतानी दिमाग से मिटा दिया था। इसका मतलब कि नवरंगी सच कह रहा था, वाकई वो मणि जादुई है। हाँ नवरंगी सच कह रहा था। तो क्या तुम फिर से गंगाधर पर नजर रखना चाहते हो? नहीं, सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है इस बार भी वो हमें धोखा दे दे।
इसलिए मैं कोई मौका नहीं देना चाहता उसे। मुझे किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना ही है, और तभी मुझे मिल सकती है मेरी वो हाईटेक लैब्स जो तमराज किलविश ने मुझसे छीन ली है। तमराज किलविश, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? इसलिए कि उनका दूत मेरे पास आया था। दूत? मुझसे तो तमराज किलविश खुद मिलते थे, लेकिन लेकिन शक्तिमान शक्तिमान की वजह से मेरा रिश्ता खराब हो गया उनके साथ। अब तमराज हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। उनके दूत ने हमें कहा था कि मैं शक्तिमान की कमजोरी उनके लिए ढूंढ निकालूं। पावा, यानी हम दोनों का रिश्ता तमराज किलविश से तभी बन सकता है जब हम शक्तिमान को कमजोर कर दें या उसे खत्म कर दें। हाँ, उसे खत्म करने की गारंटी मेरी है, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। कहो डॉक्टर जैकॉल, कैसी मदद? मुझे उसके शरीर की कोई भी एक चीज लाकर दो, जैसे उसका बाल या उसके नाखून या उसकी चमड़ी का एक टुकड़ा ही सही। लेकिन तुम उसका करोगे क्या? मुझे क्या करना है ये मेरा बिजनेस है, तुम ये कर सकते हो या नहीं मुझे ये बताओ। सचमुच सचमुच तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है डॉक्टर, लेकिन शक्तिमान से निपटने के लिए मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्द शक्तिमान का कोई बाल या नाखून या उसकी चमड़ी का टुकड़ा तुम्हें मिल जाएगा। तो समझ लो कि शक्तिमान की मौत का सामान भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट डॉक्टर। अब मेरे हाथों तेरी मौत होगी शक्तिमान। और वेट बढ़ाइए। कमाल है। और 100 किलोग्राम बढ़ाइए। सरप्राइजिंग। और 100 किलोग्राम बढ़ाइए। थैंक यू शक्तिमान, अब टोटल वेट 1000 कर दीजिए प्लीज। शक्तिमान, पूरे 1000 किलोग्राम वजन उठाने के बाद भी अभी तक नहीं टूटा है तुम्हारा बाल। यानी शक्तिमान, किसी आम इंसान के बाल की तुलना में तुम्हारा बाल कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिमान, तुम्हारे शरीर की ताकत आम इंसान से कई हजार गुना ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन इतना ताकतवर कोई भी आम इंसान बन सकता है अगर वो भी मेरी तरह योग साधना करे। योग साधना? इसीलिए तो हमने आपको यहां बुलाया था शक्तिमान। हम ये जानना चाहते हैं कि इस योग साधना ने ऐसा आपके शरीर में क्या परिवर्तन किया है कि आप इतने शक्तिशाली बन गए हो। और इसीलिए रिसर्च के लिए हमने तुमसे ये बाल लिया है। हाँ शक्तिमान, तुम्हारे बाल की ताकत तो हमने देख ली है, अब हमें आगे रिसर्च करके ये देखना होगा कि शक्तिमान में
ऐसी असीम ताकत की वजह क्या है? कहीं योग साधना ने तुम्हारे बाल का तत्व तो नहीं बदल दिया? और हमें उम्मीद है कि तुम हमारे इस रिसर्च में हमारा सहयोग करोगे, तब हम ये साइंटिफिकली जान पाएंगे कि योग साधना आम इंसान में क्या परिवर्तन ला सकती है। क्यों नहीं, आप जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। अच्छा चलता हूं। देखा उसकी स्पीड, देखी आपने? हाँ सर, हमें शक्तिमान के गति पर भी रिसर्च करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल करनी होगी। और हमें यह भी जानना होगा कितनी गति प्राप्त करने से पहले वो अपना एक हाथ ऊपर क्यों उठाता है और फिर एकाएक इतनी तेज गति कैसे प्राप्त करता है। और सर, इतना फास्ट गोल गोल घूमने के टाइम सामने दिखते कैसे होंगे? बिल्कुल। और ये भी जानना है कि जब वो सर्कुलर मोशन लेता है तो कितना मोमेंटम तैयार होता है और इतने मोमेंटम में, इतनी स्पीड में वो अचानक कैसे रुक जाता है। और हवा में इस स्पीड से जो घर्षण निर्माण होता है उसे वो कैसे सहन कर लेता है। अब शक्तिमान के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए जाना है, तो हम बाद में मिलेंगे। यस सर। तो चले। चले सर। शक्तिमान से अगली अपॉइंटमेंट जल्दी ले लेना। हाँ ओके सर, आई विल फॉलो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शक्तिमान की मानसिक शक्तियों पे भी रिसर्च की जानी चाहिए। यानी कि साहब की जानकारी सही थी, लेकिन साहब को यह कैसे पता चला कि आज अनुसंधान केंद्र में शक्तिमान अपना बाल देकर जाएगा? हमें इसे क्या मतलब, हमारा काम है शक्तिमान का बाल ले जाना और हम ले जाएंगे। तो ये है शक्तिमान का बाल। शक्तिमान का बाल देकर हमने अपना वादा पूरा किया डॉक्टर जयकौल। अब तुम्हारी बारी है। हमें बातें नहीं, अब सचमुच शक्तिमान की मौत का सामान चाहिए। पावा। अब तुम देखना द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट के ग्रेट शैतानी दिमाग का ग्रेट शैतानी कमाल। कैसे डॉक्टर जयकौल अपनी शैतानी साइंस के जरिए शक्तिमान के इस बाल को शक्तिमान की मौत का शैतानी सामान बना देता है। भाव। इसलिए अब ये बताओ डॉक्टर जयकौल कि शक्तिमान की मौत का वो सामान कब तक तैयार हो जाएगा? द ग्रेट डॉक्टर जयकौल जब चाहे उसे बना सकता है। तो फिर देर किस बात की, फौरन बनाओ उसे। ऑर्डर नहीं, डॉक्टर जयकौल कोई ऑर्डर सुनने का आदी नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि डॉक्टर जयकौल तुम्हारे ऑर्डर से ये काम कर रहा है तो ये तुम्हारी भूल है। ये ऑर्डर नहीं है, हम दोनों की जरूरत है साइंटिस्ट। शक्तिमान की मौत हम दोनों के लिए जरूरी हो गई है। इसे डॉक्टर जयकौल भी अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए तुम ऑर्डर देने के बजाय सिर्फ देखते रहो और देखो कैसे डॉक्टर जयकौल अपने इन हाथों से इस दुनिया का सबसे खतरनाक आविष्कार तैयार करता है सबसे कम समय में। पावा। Power!
पावर। अब इस लैब की छत पर रखी हुई मेरी मशीन सूरज की धूप से ऊर्जा को खींचना शुरू कर देगी। अब मेरी मशीन द्वारा खींची गई ऊर्जा का मिलन होगा शक्तिमान के बाल से। ये क्या हो रहा है? आखिर तुम क्या करो साइंटिस्ट, बताओ मुझे। पावर! मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तैयार हो गया मेरा लाइट मैन। क्या लाइट मैन? हाँ, लाइट मैन, शक्तिमान का बाल और सूरज की ऊर्जा को क्लोन करके मैंने बनाया है इसे। पापा, इसकी ताकत के सामने झुकना होगा शक्तिमान को। लाइट मैन, अपनी ताकत का नमूना दिखाओ। पावर! देखा तुमने, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल का कमाल। ये लाइट मैन पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर सकता है। इसके हाथों होगी शक्तिमान की मौत, यकीनन मौत होगी। गुड, वेरी गुड डॉक्टर जैकॉल, वेरी गुड। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच अ पावरफुल लाइट मैन। बधाई हो। बस अब थोड़ी ही देर में मेरा ये लाइट मैन शक्तिमान की तलाश में शहर जाएगा। नहीं, क्या मतलब? लाइट मैन शहर जाएगा और शहर जाकर शक्तिमान को खत्म भी करेगा, मगर अभी नहीं। फिर ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइट मैन को कब, कहां और किस वक्त भेजना है। तुम मेरे संदेश का इंतजार करोगे डॉक्टर जैकॉल। पावर! आखिर क्या चाहता है ये साहब का बच्चा? यानी कि अब एक तीर से दो निशाना लगाना होगा। हो सकता है कि लाइट मैन शक्तिमान को खत्म ना कर सके, मगर फिर भी ये तो जानना ही है कि गंगाधर शक्तिमान है या नहीं। मगर उस वक्त गंगाधर को हमें अपने पास रखना होगा जब लाइटमैन तबाही फैलाएगा, बर्बादी फैलाएगा, और ये सिर्फ
अकीदा विश्वास के जरिए ही हो सकता है। अकीदा विश्वास मिलना होगा, अकीदा विश्वास से मिलना होगा। बबन दादा, स्केचिंग तो बहुत सुंदर की है, लेकिन अगर लेमन येलो की जगह गोल्डन येलो यूज करें तो क्या ख्याल है आपका? अच्छा लगेगा, पिक्चर खिल जाएगी ना। हाँ श्योर। तो बढ़िया, तो कर दीजिए ना। ठीक कर देता हूँ। सुधांशु जी। हाँ जी। आप स्केचेस कंप्लीट कर लीजिए। ओके। मैं वापस आकर उन्हें देख लूंगी। फाइन। ओके। यस। बाय। कुमार जी आप? क्या बात है? शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। आप कहीं जा रही हैं? बस मैं आप ही के घर आ रही थी। और लीजिए, आप आ गए मेरे पास। जी। वो क्या है ना, हमारे कॉमिक्स का पहला एडिशन 3 दिन बाद निकल रहा है, उसी सिलसिले में हम एक फंक्शन रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उस फंक्शन में आए। श्योर। ये लीजिए आपका कार्ड। किता जी। जी। इस पर तो मिस्टर गंगाधर जी का नाम लिखा हुआ। ओह आई एम सॉरी, मैंने गलती से गंगाधर का कार्ड आपको दे दिया। ये लीजिए आपका कार्ड। थैंक यू। बाय द वे, ये गंगाधर वही है ना जो पहले आपके साथ मिलकर शक्तिमान की न्यूज लाया करता था? जी हाँ, और एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी है वो। दरअसल आपसे मिलने के बाद मैं उन्हीं के पास जा रही थी, उन्हें भी इनवाइट करना है ना। तो फिर चलिए। जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। देखिए, अब शक्तिमान से जुड़े हुए सिर्फ 2 लोग हैं। आपसे तो मैं मिल चुका हूँ और अब गंगाधर जी से मिल लूंगा, अगर आपको एतराज ना हो तो। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, चलिए चलिए। कम ऑन। अरे गंगाधर जी रुकिए। अरे अरे देवी जी आप। अच्छा आप मिल गए, आप ही से मिलने आ रही थी मैं। क्यों, क्या बात है? किसी को तरुण महाविद्यालय में दाखिला दिलाना है? अरे नहीं बाबा, ये तो मिस्टर कुमार रंजन है जिनके बारे में अक्सर आपसे कहा करती थी। ओहो, ओहो। और कुमार जी यही है गंगाधर जी जो शक्तिमान की न्यूज मेरे साथ लाया करते थे। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। गंगाधर ये आपके लिए। क्या है ये, तो कोई निमंत्रण पत्र लगता है। जी क्या हाँ। बात है, ये शक्तिमान कॉमिक्स का पहला एडिशन निकल रहा है ना 3 दिन के बाद, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन रख रहे हैं। उसमें आपको विदाउट फेल आना है। हाँ हाँ आएंगे 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 आएंगे। वैसे गंगाधर जी अभी इस समय आप घर ही जा रहे होंगे। अरे इनको कैसे पता चला? आपके कॉलेज की छुट्टी जो हो गई। ओह बड़े बुद्धिमान है ये। मेरी बुद्धिमानी का पता तुझे जल्द चल जाएगा गंगाधर। आप हमारे साथ आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए जी। हाँ इट्स अ गुड आइडिया गंगाधर। वैसे भी कुमार जी आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, अब रास्ते में बात भी हो जाएगी। अब जी पर मैं तो वो यो, जी जी यो, कुछ नहीं, चलिए आप चलिए ना, आइए ना प्लीज, चलिए ना प्लीज, आइए बैठिए। यहाँ आप बैठिए तो बैठिए ना। लेकिन हाँ बाबा यहाँ बैठिए। ठीक है बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाइए। अब देखता हूँ थोड़ी देर बाद शहर में आने वाले आफत के समय तुम गंगाधर से शक्तिमान कैसे बनते हो।